My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। यूपी की पीलीभीत लोकसभा सीट से गांधी परिवार का टिकट कटने के बाद अब इस सीट पर जहां सबकी निगाहें लग गई हैं, वहीं भाजपा के लिए इस सीट पर कमल खिलाना चुनौती बन गया है। दरअसल भाजपा ने इस बार पीलीभीत सीट पर गांधी परिवार के वरुण गांधी का टिकट काटकर यूपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद पर दांव लगाया है। चूंकि अमेठी और रायबरेली के बाद पीलीभीत सीट पर गांधी परिवार का वर्चस्व बना रहा है, ऐसे में भाजपा के लिए यह सीट और भी महत्वपूर्ण हो गई है। शायद यही वजह है कि जितिन प्रसाद के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीलीभीत में 9 अप्रैल को जनसभा कर कमल खिलाने की अपील कर चुके हैं। इससे पहले 2 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ भी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने पीलीभीत पहुंचे थे। आइए पहले सुन लेते हैं बीजेपी सरकार के पावरफुल नेता एवं पीलीभीत से भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद का क्या कहना है। हमारे खेती है, हमारा यहाँ रिश्ता है पीढ़ियों का और पीलीभीत में लगाव है, और यहाँ जब चुनाव लड़ने का भी कोई विचार नहीं था और निर्देश नहीं था, तब भी यहाँ कार्य कराए गए हैं। एक धनारा घाट का पुल जो है, जो 270 साल से नहीं हुआ था, और एक बड़े भाग यहाँ कटा हुआ था, 200 करोड़ की परियोजना वो कराई गई है, 100 करोड़ के रोड बनवाई गई है, 4 लेन जो इंडस्ट्रियल पार्क है, तमाम यहाँ रोड वाइडनिंग मरम्मतें सेतु बनाए जा रहे हैं और विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि यहाँ पे कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, कुछ विशेष समुदाय के लिए, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही है कि मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में उनके काम, देश के प्रति उनका समर्पण और देश की गरिमा इतनी ऊंची पहुंची है विश्व स्तर पे कि सभी जात धर्म और सभी समीकरण जो ये विपक्षी पार्टियां फैलाती हैं चुनाव के टाइम, वो ध्वस्त हो चुके हैं। पीलीभीत में कमल खिलाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी के बड़े नेताओं के अलावा तमाम और भी नेता पीलीभीत में डेरा डाले हुए हैं। जितिन प्रसाद के समर्थन में माहौल बनाने पहुंचे पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी ने क्या कुछ कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। इस वक्त पीलीभीत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हम खड़े हुए हैं और हमारी पूरी सारा टीम चप्पे चप्पे पे नजर रखे हुए है। पहले चरण में लोकसभा की जो सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें पीलीभीत सीट जितिन प्रसाद के आने से काफी वीआईपी बन गई है। जितिन प्रसाद से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उनके बाबा और पूर्वज पहले से पीलीभीत से जुड़े हुए हैं और काफी काम पीलीभीत में उन्होंने कराया है। यहाँ की जनता जनार्दन भी हमारे साथ है और काफी बड़े नेता मुनीन्द्र अवस्थी जो अपना दखल पीलीभीत के साथ साथ सीतापुर, लखीमपुर और कई जिलों में रखते हैं। हम बात करते हैं कि ये बताइए 10 साल का जो मोदी और योगी का कार्यकाल है, इसको आप चूंकि इस पार्टी में किस नजरिए से देखते हैं और पीलीभीत जो चुनाव हो रहा है इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? ये 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल है ये अद्वितीय है और अविस्मरणीय है। जिन लोगों ने इस कार्यकाल के पहले कार्यकाल देखा है, जो नौजवान लोग हैं, वो महसूस करते हैं कि अब ये जो कार्यकाल है राम राज्य की तरह से आ रहा है, पूरा राष्ट्र उन्नति कर रहा है। और यहाँ की बात पीलीभीत या जो हमारे जितिन प्रसाद जी हैं, ये पहले भी राष्ट्र के नेता रहे हैं, पूरे देश में राजनीति किए, और यहाँ सड़कों का जाल, जब मैं सीतापुर से कल इधर के लिए चला तो मैं देख रहा था इतनी अच्छी सड़कें, इतनी जगह नेशनल हाईवे पर नहीं होती हैं जो इनकी जितिन प्रसाद जी की बनवाई हैं। आम जनमानस सभी समाज के लोगों को साथ में लेकर हमेशा चले हैं, और पीलीभीत में जहाँ पर हम कहीं गए हैं एक तरफा ऐसा लगता है कि इनका चुनाव है और काफ़ी वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इनका कार्यकाल बेहतरीन रहा, इनके काम अच्छे रहे हैं, जहाँ जहाँ रहे हैं, जिस क्षेत्र में रहे उस क्षेत्र को चमका कर रखा है। इसी कार्य के सहारे और मोदी जी के जो कार्य हैं, जो मोदी जी का विजन है,
उसको साथ लेकर बहुत वोटों से साझी चुनाव जीतने वाले हैं। एक चीज बनी जी आपसे पूछा है, आपने अभी जिक्र किया इस चुनाव में लखीमपुर का जिक्र, सीतापुर का जिक्र और पीलीभीत का जिक्र। जितिन प्रसाद सीतापुर के कुछ इलाकों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लखीमपुर जनपद में भी वो धौरहरा क्षेत्र से सांसद रहे हैं, शाहजहांपुर वो देख चुके हैं, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि वहाँ की जनता धौरहरा की, सीतापुर के हरगांव मोहली की जनता, उनका कहना है कि जितिन प्रसाद यहीं से चुनाव लड़े। क्या कारण जितिन प्रसाद पीलीभीत आए हैं विकास करने, और जो यहाँ पे इनके हम स्टिकर्स पोस्टर्स बैनर्स देख रहे उसमें लिखा है मोदी का दूत, इसका क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इसका संदेश ये है कि बहुआयामी व्यक्तित्व है जितिन प्रसाद जी का, और यहाँ मुझे समझता हूँ इधर 10 जिलों से अगर कहीं भी चुनाव लड़ेंगे तो जो स्थिति यहाँ है वही रहेगी। यही सीतापुर में होती है, यही लखीमपुर में होती है, यही लखनऊ में होती है, यही शाहजहांपुर में होती है। जिसका बहुआयामी व्यक्तित्व होता है वो कहीं से भी चुनाव लड़ता है तो जीतता है। जितिन प्रसाद जी ने जगह जगह काम किया है, इनका नाम है, इनका अपना फैमिली बैकग्राउंड है, इनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है इतनी मजबूत है जनता के बीच में रहे, इसलिए ये चुनाव जीतना इनका निश्चित है। और सीतापुर और धौरहरा ये सब सीटें बीजेपी की वजह से भी मोदी जी की वजह से जीत रही है, योगी की वजह से जीत रही है। यहाँ आप एक बहुत बड़े राजनीतिक रहे हैं, काफी जमीनी स्तर से आपने कई राजनीतिक प्रतिनिधित्व किए हैं, जनता का प्रतिनिधित्व किया है मिश्रिक क्षेत्र का, सीतापुर का और पीलीभीत में भी। यहाँ आप अपना मुख्य मुकाबला जितिन प्रसाद का किससे? कोई मुकाबला नहीं है, अगर देखा जाए तो कोई मुकाबला नहीं। जितिन प्रसाद जी के साथ जो जनसलाब है आप देखते होंगे, जो भीड़ उनके साथ में है, जो जनता का उनके साथ समर्थन है, गरीब अमीर मध्यम वर्ग सारे और सब वर्ग के लोग हैं, तो चुनाव किससे कहा जाए? चुनाव तो है ही नहीं, एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन चुनाव को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीते इसलिए परिश्रम हो रहा है। आखिरी प्रश्न मेरा है कि कुछ अफवाहें यहाँ पर है, तो हर विशेष के लोग अलग अलग टाइप की अफवाहें कर रहे हैं। जी। तो क्या जातवाद का कार्ड यहाँ पर कहीं चलेगा? कहीं कुछ नहीं चलेगा, सभी कुछ चलेगा नहीं, विपक्ष के पास सिर्फ अफवाहें हैं और कुछ है नहीं, इसलिए कोई कार्ड नहीं चलने वाला है। पहले चरण में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में मतदाताओं का क्या रुख रहेगा या तो मतगणना होने पर ही पता चल सकेगा। फिलहाल मोदी सरकार की तमाम योजनाएं पीलीभीत में मुस्लिम समाज की महिलाओं पर सिर चढ़कर बोल रही हैं। पसमांदा मुस्लिम विंग की जिलाध्यक्ष मोदी सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए क्या बोली उसे भी सुनिए। जिले में हम खड़े हैं और चूंकि जो प्रथम चरण के मतदान होना है लोकसभा का, उसमें यह सीट जितिन प्रसाद के आने से वीवीआईपी सीट में गिनी जा रही है। इस वक्त यहाँ की जनता से हम बात करते हैं, पसमंदा जो मोहम्मडंस हैं जिसके बाद नरेंद्र मोदी अक्सर कहा करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रही एक महिला विंग की अध्यक्ष हमारे साथ हैं। पसमांदा मुस्लिम की जिलाध्यक्ष हूँ। ये बताइए आपकी योगी और मोदी का 10 साल का कार्यकाल किस नजरिए से आप देखेंगे? जी हम मोदी जी ने हमारे और योगी जी ने इतनी आवाज़ दी है, लॉकडाउन में भी उन्होंने मदद करी है, कितने लोगों को उन्होंने बचाया, लाखों लोगों को, और हर बंदे को फ्री गल्ला मिल लिया। कभी सरकार में झुपड़ी थी, महल बन गए लोगों के, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारे मोदी जी जीते हुए हैं, 6 लाख वोटों से जीतेंगे। और हम घूम भी रहे हैं, सब घर घर जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, मगर हमारे मोदी जी का हमारी सीट निकली है। जी आप बताइए कि आपके साथ जो ये लोग खड़े हैं, जी किसी स्कीम का इन लोगों को लाभ मिला है? सबको मिला, गल्ला मिला, सिलेंडर मिला, इन लोगों को गल्ला भी मिला, सिलेंडर मिला, किसी को आवाज मिला होगा तो ये बतला देंगे। ये सब मेरे टीम है पूरी। तमाम मौलवी मौलाना कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट जाएगा, कितने प्रतिशत वोट जा सकता है? वोट कहीं नहीं जाएगा, सब मोदी जी का है नाम, जिधर हम जा रहे हैं वहाँ मोदी जी है हमारे। योजना का लाभ से आप ज्यादा प्रभावित हैं या जो नारी सशक्तिकरण के लिए उन्होंने आवाज उठाई है? उन्होंने उनके हर चीज पर उन्होंने जो आवाज उठाई है तो अच्छी है। 3 तलाक वाली उठाई मुसलमानों के लिए, वो भी सही उठाया उन्होंने, हम बहुत खुश हैं हम मुस्लिम। एक दौरा बताइए, यहाँ पे आप जो देख रही हैं मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, किससे आप आंक रही हैं? हमारे मोदी जी, वो जीतेंगे, जी वो जीतेंगे, लेकिन मुकाबला किससे होगा? हमें तो किसी का नहीं लग रहा मुकाबला, मुकाबला नहीं है, कुछ नहीं लग रहा, कहीं नहीं चल रही है। जितिन प्रसाद से ही हमारे माहौल बहुत अच्छा है, पहले से लोग उन्हें जानते हैं। जितिन प्रसाद ने यहाँ लोगों काम भी करा है, मदद पहले भी उन लोगों ने करिए बुलाते हैं, हम बहुत खुश है पब्लिक उनसे, हम तो गांव गांव घूम रहे हैं सब उन्हीं को। जैसा कि हम पहले हमारे थोड़े मुस्लिम भाई वो थे, अब जो मुस्लिम हमारे बिछड़े हुए थे वो भी सब बीजेपी में,
हम घर घर घूम रहे हैं। जैसा हम लोग यहाँ पे घूम के देखा है तो क्या जितिन प्रसाद के बाबा परदादा की कर्मभूमि भी यहाँ रह चुकी है? जी हाँ, लोग कह रहे हैं हम जानते हैं उनकी दादी थी कोई बंगाल में, वो भी हमें कल बतलाया। हम मीडिया कॉलोनी की तरफ मैडम के साथ गए थे तो उन्होंने बहुत अच्छा स्वागत हो रहा हमारा, बहुत इज्जत दे रही है पब्लिक हमारा। हमें क्या चाहिए, हमारे मोदी जी ने हमारे सर पर मुसलमान। आप क्या दौरा भी कर रही हैं जितिन जी का? जी जी, कैसे लोगों को समझा रहे हैं? हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, मीटिंगें रख रहे हैं अपनी, हर कहीं सब में हम जा रहे हैं। और चार दिन तक हम सोएंगे नहीं, हम रात के 11-11, 12-12 बजे को हम आते हैं, अपने मोहल्ले में घूमते हैं, सबको घर घर जाकर समझा रहे हैं। इतना जुनून और जोश क्यों आप? क्यों हमारी, अरे इतने अच्छे गरीबों को गल्ला फ्री मिल गया, गरीबों को कमरे मिल गए, झुपड़ियाँ थी हमारे, पीलीभीत का नाम नहीं था। हम जहाँ भी जाते थे, पीलीभीत क्या है, कौन सा जिला है, तो बरेली बोलते थे। आज हमारे पीलीभीत 10 साल से नंबर वन पर है, पीलीभीत का नाम है। हम लखनऊ चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ, कहाँ से आए, पीलीभीत से, पीलीभीत का नाम बहुत अच्छा चल रहा है। कितना वोट होगा आप लोगों का पसमंदा? पसमंदा अंदाजा 4-5 लाख वोट हो जाएंगे हमारे, 3-4 हज़ार वोट हैं। कुछ कट भी जाते हैं, लोगों कहते हैं वो तो कोई बात ही नहीं है, मगर इस टाइम मुस्लिम बहुत है। एक और चीज आती है मतदान के दिन, क्या मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं लोगों को आप? कि लोग निकलते नहीं घर से, डाले वोट नहीं जाते हैं, इसके लिए एक दिन वो था, हम छोटे से थे तो हमारे माँ बाप हमें स्कूलों में सब में पहुँचाते थे नहीं जा। आज हमारी बेटियाँ 11 बजे रात के 12 बजे हम नखलों से आते हैं, 3-3, 4-4 बजे बेखट आ जाते, कोई टच नहीं कर सकता। पहले गुंडागर्दी होती थी, बेटियां बाहर नहीं निकलती थी, आज बेटियां पढ़ाओ बचाओ। मतदान भी जागरूक कर रहे हैं? हाँ, हम कर रहे हैं, नहीं हम सब कर रहे हैं, और आगे भी अच्छा ही होगा, जो कुछ हमारे मोदी जी जो भी करेंगे आगे अच्छा ही करेंगे। पीलीभीत से भाजपा के अलावा सपा, कांग्रेस, गठबंधन और बसपा के कौन से प्रत्याशी मैदान में हैं, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। इससे पहले आइए जान लेते हैं पूर्व MLC अरविंद त्रिपाठी, लखनऊ KKC के पूर्व अध्यक्ष राजेश शुक्ला और पीलीभीत की जनता का क्या कहना है। इस वक्त हम पीलीभीत जनपद में खड़े हैं और यहाँ प्रथम चरण में मतदान होना है लोकसभा का, और यह सीट इसलिए VIP सीट में गिनी जा रही है क्योंकि यहाँ पर जितिन प्रसाद लड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ कई राजनीतिक हस्तियां खड़ी हैं जिसमें राजेश शुक्ला जी हैं जो KKC में छात्रों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और कई जिलों में उनका दखल है राजनीति में। साथ ही हमारे साथ लखनऊ और उन्नाव क्षेत्र में पूर्व MLC रह चुके अरविंद त्रिपाठी जी हैं और कई जिलों में आपका दखल है, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर और पीलीभीत। ये सभी लोग यहाँ पर चूंकि VVIP सीट ये मानी जा रही है, इस कारण से गांव-गांव दौरा भी कर रहे हैं। बात करते हैं अरविंद त्रिपाठी जी से कि क्या लग रहा है यहाँ के चुनाव के बारे में, इतनी VIP सीट ये बन गई है तो मुख्य मुकाबला किससे होने की संभावना आपको लग रही है? मुकाबला हमारा किसी से नहीं है, सीट एकदम क्लियर है। माननीय मोदी जी के प्रभाव में पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत है, और जिस ढंग से यहाँ पे ऐतिहासिक जीत होने जा रही है नितिन जी की, तो ये हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, पारिवारिक हमारे मित्र हैं, और जितिन जी और हम लोग बहुत पुराना संबंध है, यहाँ ढेर सारी मेरी रिश्तेदारियाँ हैं, तो मैं यहाँ आके उन लोगों को सहेजने का काम, और हमारे ढेर सारे मित्र लोग हैं यहाँ जो स्थानीय स्तर पर प्रधान BDC वगैरह हैं, निकाय के नेता हैं, के लिए मैं इनके समर्थन में आया हूँ। लेकिन यहाँ आके मुझे पता लगा कि लोग ऑलरेडी सब लोग जितिन प्रसाद जी के साथ जुटे हैं पूरी तरीके से, और चुनाव बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, अच्छी जीत का। अरविंद जी एक ही और आप बताइए, यहाँ आप क्षेत्र में दखल रखते हैं, कई पीलीभीत के लोग भी हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो योगी और मोदी का कार्यकाल है डबल इंजन की सरकार, क्या इसका कुछ प्रभाव विकास का यहाँ दिख रहा है? जैसी अफवाहें भी चल रही हैं कि कोई विशेष तबका एक जो वोट जितिन जी को ना देके अलग जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ आपको इस क्षेत्र में दिखता है या ये खाली अफवाह है, हर जात का वोट मिल रहा है जितिन जी को? ये 100% अफवाह है, और उदाहरण के लिए हमारे साथ जो लोग खड़े हैं बहुत सामाजिक लोग हैं और सब अल्पसंख्यक बिरादरी से, अच्छा, मुस्लिम बिरादरी से हैं, और ये लोग खुल के जितिन प्रसाद जी के साथ पूरी तन मन धन से जुट के, और इनका ये और इनका समाज सब लगे हैं, और ये अफवाहों का दौर है, अफवाहें चुनाव में चलती हैं आप जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए राजेश जी, आप भी बहुत दिनों से राजनीति में दखल रखते हैं, कई क्षेत्रों की राजनीति आपने की है, लखीमपुर, शाहजहांपुर,
और आपके बाबा साहब के टाइम से संबंध है जितिन प्रसाद जी से, गांव का आपने दौरा किया है, क्या लग रहा है कहीं पे जो 400 पार की बात मोदी जी करते हैं तो जितिन जी पे भी हर वर्ग हर जाति वोट का विश्वास कर रहा है, या विकास की गंगा के ऊपर वोट यहाँ दिया जाएगा, या जितिन के चेहरे और उसके साथ साथ मोदी के चेहरे पे वोट दिया जा रहा है? जैसा कि अभी पूर्व MLC हमारे मित्र अरविंद त्रिपाठी जी ने आपको बताया है, लगभग लगभग यही चीज़ें मैंने सब जगह देखी। और हमारी मौसी के लड़के हैं प्रशांत पांडे जी, जिनके वहाँ मैं रुका हुआ, रोशन लाल शुक्ला जी के पोते हैं, उनके घर में रुका हूँ। मैंने जितने झालों पे जहाँ कहीं भी मैं गया हूँ, तो जिनके वहाँ मैं जाता हूँ और वो लेके जाते हैं, तो मुझे वो जितिन का पहले से ही बताते हैं कि हम लोग को पहले समर्थन कर रहे हैं। ऐसा लगभग लगभग 60-70 जगह हो चुका है। बाकी ये पीलीभीत के हमारे छोटे भाई हैं, मौसी के लड़के हैं, ये आपको पूरा विवरण पूरी तरीके से सही तरीके से बताएंगे। प्रशांत पांडे, देखिए कई पीलीभीत के लोग भी हमारे साथ हैं। एक यहाँ पे अफवाह फैलाई जा रही है कि कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग या कुछ विशेष समुदाय के लोग कहीं ना कहीं वो अंदर खाने से विरोध कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे, हमारे साथ पीलीभीत के लोग भी यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? शादाब खान। शादाब, किस बिरादरी से आप आते हैं? मुस्लिम समाज, पठान बिरादरी। जी जी, तो क्या आपको लग रहा है कि जो डबल इंजन सर्वे के 10 साल के कार्यकाल को किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप 10 साल के कार्यकाल को ज्यादा ना देखें, आप पीलीभीत में देखें। पीलीभीत के अंदर जो मुस्लिम समाज है, 30% जिसे कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे है, उसको कोरोना बचाने का काम किसने किया? भाजपा ने। उसके घर तक राशन किसने पहुंचाया? भाजपा ने। उसको पीलीभीत के अंदर 15,700 आवासीय योजनाएं मिली, जिसमें से 9,000 योजनाएं किसको मिली? मुस्लिम को। अब आदमी ये कह रहा है कि मुस्लिम को तो रिझाने के लिए दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस ने क्यों नहीं दी थी? मैं ये भी तो पूछना चाहता हूं ना, कांग्रेस ने हर जगह सिर्फ क्या किया है? आज आप आके देखिए, शहर के अंदर जो मेन रास्ता था वहां पे निकलने का दूभर होता था। जिस दिन से ये डबल इंजन की सरकार बनी है, आप देखिए हर जगह सड़कों का और फ्लाईओवर का जाल बिछाया जा रहा है। ये एक एक ब्रिज जो सीना ताने खड़ा है, मुझे कह रहा है कि कल भी उनकी सरकार थी, आज भी उनकी है और कल भी उन्हीं की होगी। क्या शुभ नाम आपका है? शादाब खान। कहाँ के रहने वाले आप हैं? यहीं के पीलीभीत। जी जी, आप भी बताइए, एक यहाँ पसमांदा मुस्लिम समाज भी एक आवासीय कॉलोनी, वहाँ पे हमारी टीम गई थी। जी जी, वो लोग तो खुल के मोदी जी और योगी जी का गुणगान कर रहे हैं। जी, अभी बात आपने की पठान समाज से आप लोग हैं, तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज का एक वर्ग या जो भी है वो जितिन प्रसाद को भारी बहुमत से जिताने में अहम भूमिका निभा रहा है? बिल्कुल अहम भूमिका निभा रहा है। काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं और जुड़े हुए हैं हमारे पठान समाज से, और हमारे बहड़ी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर छागड़ जैसे क्षेत्र हैं, मदनापुर है, ये गांव जुड़े हुए हैं जितिन प्रसाद जी से। बाकी हमारे ताल्लुकात भी हैं ये लोगों से, उसके आदमी सब लोग जुड़े हुए हैं। पठान बिरादरी कितना वोटों का अंदाजा है? पठान बिरादरी हमारा लगभग यहाँ पर होगा 40-45 हज़ार है। इस जिले के अंदर करीब 80,000 है। बहुत बड़ी बात है। जी जी, चूंकि हम लोग की पसमांदा मुस्लिम समाज से बात, उनकी महिलाओं से बात की आज, जी जी, तो वो उज्ज्वला योजना, नारी सशक्तिकरण और आवासीय योजना, राशन, इन चीजों की बात कर रही थी। क्या ये हकीकत है? ये हकीकत है, सबको लाभ मिल रहा है इसमें। ये तो है नहीं कि किसी जाति को, एक जाति वर्ग को मिलता हो, मुस्लिम को भी मिल रहा है, सभी को मिल रहा है इसमें। साथ ही हमारे साथ और वर्ग के लोग भी हैं। एक और सज्जन है प्रशांत जी हमारे साथ, इनका भी राजनीति दखल है और कई चीजों में दखल रखते हैं। यहाँ की राजनीति आप क्या देख रहे हैं कि जितिन प्रसाद एक VIP सीट है, इनका नाम आया है और लिखा हुआ है कि मैं मोदी का दूत हूँ, इसका कुछ असर भी आपको लग रहा है यहाँ पर, या आप लोग बिल्कुल आंख मूंद के सिर्फ जितिन प्रसाद ही आपको दिख रहे हैं और बाकी यहाँ पे किसी प्रतिद्वंदी को आप देख ही नहीं रहे हो? ऐसा कुछ लग रहा है कि प्रतिद्वंदिता है ही नहीं? जी, जितिन प्रसाद जी के परिवार यहाँ से 3 पीढ़ियों से जुड़ा रहा है, उनके व्यक्तिगत संबंध पीलीभीत में ज़्यादातर हर बिरादरी में हैं उनके पारिवारिक, और इसके अलावा जो मोदी और योगी जी का मैजिक है वो भी काम, उसका भी काम कर रहा है। और इसके अलावा इनके पिताजी के करे हुए जो निजी कार्य हैं लोगों के, और इनके जो पेट्रोलियम मंत्रालय में रहते हुए और तमाम
हाईवे इन्होंने बनवाए हैं, फिर जैसे पूरनपुर से घुंचाई होते हुए मोहंदी से सीधे मैगलगंज तक रोड निकाला है, तो वो विकास कार्य लोगों को पीलीभीत में मिल चुके हैं। अभी धनारा घाट का पुल इन्होंने मंजूर करा है, जो 40 साल से मांग कर रहे थे डॉक्टर विनोद तिवारी, यहाँ से एमएलए होते थे कांग्रेस से, वो कभी नहीं बन पाया, तो बहुत बहुत बड़ी सौगातें अभी दे चुके हैं। तो लोगों को ये दिख रहा है ये जीत गए तो पीलीभीत में विकास की गंगा बह। देखिए आज सहारा की टीम कई क्षेत्रों में गई और यहाँ पर एक गुलदस्ता उसने तैयार किया जिसमें विभिन्न वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इन सबको इकट्ठा करने का काम किया गया और जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गई। फिलहाल जो निकल के आया सामने, सभी का ये कहना है कि जितिन प्रसाद एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। उनका कार्य क्षेत्र एक छोटे क्षेत्र में आकलन नहीं किया जा सकता। कारण उसका लोगों ने यह बताया कि वो धौरारा से भी सांसद रह चुके हैं, सीतापुर के कुछ इलाकों का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, शाहजहांपुर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लखीमपुर जिले को वो देख चुके हैं। इस कारण से जो योगी और मोदी की सरकार है, इन्होंने उसको अपना दूध बनाकर एक बड़े विकास के लिए पीलीभीत भेजा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में प्रथम चरण में यहाँ पे मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। निश्चित तौर पर यह देखना होगा कि जितिन प्रसाद कितने मतों से जीतते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आइए अब जान लेते हैं पीलीभीत लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार जितिन प्रसाद के बारे में। 1973 में यूपी के शाहजहांपुर में जन्मे जितिन प्रसाद वर्ष 2021 में भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले वह कांग्रेस सरकार में कई विभागों के मंत्री रहे हैं। जितिन प्रसाद ने 2004 में शाहजहांपुर से आम चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे। इसके बाद 2009 में नवसृजित लोकसभा धौरारा से कांग्रेस के टिकट पर चुने गए। वर्ष 2024 में भाजपा ने उन्हें पीलीभीत लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद मौजूदा समय में योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री हैं। इसके अलावा सपा ने भगवत सरन गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। नवाबगंज अहमदाबाद के रहने वाले भगवत सरन 1991 में और 1993 में बीजेपी के टिकट पर नवाबगंज से विधायक बने थे। 1996 का चुनाव हारने के बाद 2002 में वह सपा में शामिल हो गए थे, जबकि बसपा ने अनीस अहमद खां और फूल बाबू को उम्मीदवार बनाया है। फूल बाबू 1990 में बसपा में शामिल हुए थे। वर्ष 1996 में वे बसपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। वह 3 बार प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।